तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ और कोलराउस लॉ के जो कोलराउस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना जो एक लॉ बनाया हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसर्न में बनाया हुआ है। और इस लॉ का सबसे पहले टर्म देखेंगे हम लोग, फिर इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली वो समझेंगे हम लोग। तो कोलराउस लॉ का अगर हम लोग टर्म देखेंगे तो इसका देखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन is a sum of total molar conductivity of cations and anions in solution। अब आप देख रहे हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ए सम ऑफ टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर इसको हमने देखा, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ये ए और बी है, तो इस ए और बी की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इस ए और बी की मोलर कंडक्टिविटी होगी ए इसमें कैटायंस होगा और बी इसमें क्या होगा एनायंस होगा। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। तो ए और बी जो कैटायंस और एनायंस होंगे उनका जो सम होगा उनके मोलर कंडक्टिविटी का, वही होगी मोलर कंडक्टिविटी किसकी, सॉल्यूशंस की। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, लैम्डा इनफाइनाइट ए बी अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए हम मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे। तो लैम्डा इनफाइनाइट ए बी क्या होगी, लैम्डा इनफाइनाइट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट बी निगेटिव। यानी कि ये जो कैटायंस होगा इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी और जो एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी होगी इनका सम हम लोग जो करेंगे तो वो टोटल सॉल्यूशंस का होगा। ये किसका आएगा आपका, सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टिविटी आएगी निकल करके। जैसे अगर आपने सपोज कीजिए HCl ले लिया, ये सॉल्यूशंस में HCl था। अब देखिए इसमें क्या करना है कि या तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो बहुत ही वीक हो या स्ट्रांग हो। जैसे HCl को हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज करते हैं तो HCl का 100% डिसोसिएशन होता है, किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। लेकिन अगर हम HCl का ये सॉल्यूशंस लिए हुए हैं और इसके मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या होगा, ये इसमें कैटायंस कौन होगा, इसमें कैटायंस होगा यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट के लिए हम क्या रखेंगे, हम लोग एच प्लस रखेंगे और प्लस क्या रखेंगे, Cl का माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर H प्लस होगा और यहाँ पे Cl का माइनस होगा। जो मोलर कंडक्टिविटी इसकी होगी इस कैटायंस की होगी और जो मोलर कंडक्टिविटी इस एनायंस की होगी वो टोटल किसके आएगा, HCl की मोलर कंडक्टिविटी के सम में आएगा। तो यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ए सम ऑफ टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस इन ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हो आप तो उसके जो मोलर कंडक्टिविटी आपको चेक करनी है वो ये देखना है कि उसके कैटायंस और एनायंस का उस सॉल्यूशंस के अंदर टोटल मोलर कंडक्टिविटी क्या आ रही है। जितना आएगा उसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। जैसे हमने क्या किया, ए बी लिया तो ए का कैटायन, ए बी में कैटायंस ए होगा और बी होगा क्या, एनायंस होगा। अब अगर इसके लैम्डा की बात हम करेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट ए बी पे जाएंगे, अच्छा एक बात और देखिएगा, इनफाइनाइट की अगर बात करेंगे तो किसी का भी डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट आपने कर दिया, डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट कर दिया तो कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन उसका क्या होने वाला है,
कंसंट्रेशन उसका हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। कंसंट्रेशन क्यों जाएगा जीरो की तरफ, इसलिए जाएगा क्योंकि आपने डाइल्यूशन क्या करें इनफाइनाइट कर दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन तो उसका जीरो आना ही आना है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो, उसका डिसोसिएशन देख रहे हो, तो कंसंट्रेशन जैसे ही जीरो हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन जैसे ही जीरो होगा तो क्या होगा, वो डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओस्टवाल्ड के कंपेयर में अगर हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो अगर कंसंट्रेशन जीरो होगा इसका मतलब इनफाइनाइट भी डाइल्यूशन उसका हो रहा है, ठीक है ना। ये है आपका कोलराउस वाला। और अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो न्यूमेरिकल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम बेसिक्स के न्यूमेरिकल उठा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल, आज और कल में पूरा एक वीडियो इसके बाद और चलेगा जिसमें न्यूमेरिकल भी हमारा आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है आज के लिए जो आया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स। क्वेश्चन नंबर वन फॉर टूडे, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन एन ऑर्डर इन विच, एन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर, they displace each other from the solutions of dear salt, from the solutions of dear salt। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दे रहा है कौन कौन से सॉल्ट हैं, एक तो है एल्यूमिनियम, दूसरा है आपका कॉपर, तीसरा है आपका आयरन, चौथा है आपका मैग्नीशियम और पांचवा है आपका जिंक। ये इतने सॉल्ट हैं आपके सामने, इनका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया होगा। तो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ दियर साल्ट। कहने का मतलब है कि अपने साल्ट से इनका एक ऑर्डर बनाओ कि कौन किसको कितनी जल्दी रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप लोग इसका क्या करना है, इसमें अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, जिसमें से गिवन है क्या क्या, ये क्वेश्चन ये पूरा भी, ई नॉट एल प्लस थ्री से एल में दे रहा है आपका माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स। उसके बाद में ई नॉट दे रहा है आपका Cu प्लस टू से Cu के लिए दे रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। उसके बाद ई नॉट आपका दे रहा है Fe प्लस टू से Fe के लिए माइनस 0.44 वोल्ट। उसके बाद दे रहा है ई नॉट एम जी प्लस टू से एम जी के लिए माइनस 2.36 वोल्ट। और लास्ट में दे रहा है ई नॉट जेड एन के लिए दे रहा है माइनस 0.76 वोल्ट। बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल है, अच्छे से अगर करेंगे तो ही समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले बोल चुका था, टफ बहुत है, लेकिन आज का इसका लास्ट लेक्चर चल रहा है। न्यूमेरिकल अगर आज खत्म हो गया तो कल से आप लोगों का नया यूनिट कोई चलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक टेंडेंसी बताई गई है रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना लो होगा वो उस सोल्यूशन से उसको क्या करेगा, उस मेटल को रिड्यूस कर देगा, दूसरे मेटल्स को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। तो सबसे कम किसका है, एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम पर सबसे कम है, ये आएगा एक नंबर पे। एल्युमिनियम पर सबसे कम नहीं, सबसे कम इसका है एमजी का है वन, और ये आएगा नंबर टू पे आएगा, पहले पे आएगा दूसरे पे आएगा। उसके बाद में किसका है, फोर फोर किसका है, आयरन का है, ये है तीसरे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा
चौथे नंबर पे, एक दो तीन चार, चौथे पे आयरन, ये आया है आपका क्या क्या, एल्यूमिनियम हुआ है -1.66 इसका है, उसके बाद में मैग्नीशियम का दिया हुआ -2.36, तो एक नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा 1.66, यानी कि Mg सबसे पहले आ रहा है क्या, Mg आ रहा है, उसके बाद में कौन आ रहा है, Mg के बाद में आ रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 1.66, एल्यूमिनियम के बाद में किसका आ रहा है, एल्यूमिनियम के बाद में आ रहा है आपका जिंक, उसके बाद में आ रहा है एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है जिंक का, और जिंक के बाद में आ रहा है आपका आयरन का, जिंक के बाद आ रहा है आयरन का, उसके बाद में आपका आ रहा है किसका, उसके बाद में आ रहा है आयरन के बाद कॉपर, कॉपर का प्लस में है, क्लियर है Cu। अब इसका मतलब क्या है, जो जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा अदर मेटल्स को सोल्यूशन से, क्या करेगा, अदर मेटल से सोल्यूशन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, आरपी जिसकी लेस होगी, वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा किसको, उसके रिलेटेड जो मेटल होगा उस मेटल को उस सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर एज पर सीन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया था, और उसमें बताया गया था कि जिसकी आरपी एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी वो मेटल उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो सोल्यूशंस के अंदर जो भी मेटल्स डिप किया गया होगा उस मेटल को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा और उसके प्लेस पर साल्ट के साथ में वो जाके खुद में बैठ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले लें, क्या रिएक्शन ले लें हम, इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसका रिएक्टिविटी, ये आंसर होगा इसका, ये होगा इसका आंसर। अच्छा, इसकी सिस्टमेटिक आपने बनाई कैसी है, तो इसमें क्या किया आपने, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का किधर है ये देखिएगा, तो इसका क्या है, ज़्यादा है ना, तो आपने क्या किया, इसका ज़्यादा है, इसका इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इसमें किसकी होगी, रिएक्टिविटी इसकी होगी। तो अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन हो और उसमें मैग्नीशियम की डिप करोगे तो क्या करेगा, एयर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, मैग्नीशियम वहाँ पे सल्फेट के साथ बैठ जाएगा। सवाल देखिएगा, ये जैसे इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा है, कैन यू स्टोरेज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन ए जिंक पॉट। ये सवाल है आपके सामने, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, इसमें आपको यह सारी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि E0 Zn+2 Zn की कितनी होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है इसका, -0.76 वोल्ट होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका वैल्यू कम होगा वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा सोल्यूशन से मेटल को, तो अच्छा उसके बाद में कौन दे रहा है यहाँ पे, कॉपर दे रहा है, तो Cu+2 से Cu के लिए SRP की वैल्यू हो रही है +0.34 वोल्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है कि सीधी ये स्टोरेज कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का मतलब हमने CuSO4 ले लिया और इसमें जिंक की डॉट डिप कर दिया, यानी कि Zn ले लिया, तो क्या करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल तो भैया Zn का क्या है, कम है ना, -0.76 वोल्ट है, इसका क्या है, +0.34
3-4 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर तो रिप्लेस हो जाएगा और ZnS इसके साथ में आके बैठेगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो बनेगा वो ZnSO4 का बनेगा, साथ में Cu क्या बनेगी, सॉलिड के फॉर्म में आएगी और ये एक्वस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और यहाँ पे ये क्या था, एक्वस फॉर्म में था। तो अगर इस तरह से देखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, सो बिकॉज Zn reduction potential is less than copper's reduction potential, so zinc are reduced with the copper in the copper sulfate solution. तो zinc क्या करेगा, reduce हो जाएगा copper sulfate solution में copper के साथ में। तो इसका ये होता है reaction। तो इसका अगर आप answer रखोगे less SRP metal reduced metal in their solution से जिसकी एसआरपी लो होगी वो उसके मेटल्स को क्या करेगा, रिड्यूस कर दिया करेगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप करने पे क्या रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा, तो ये भी एक मैटर करता है कि यहाँ पे रिएक्शन होगा और कॉपर क्या करेगी, सॉलिड के फॉर्म में जाएगी एक्वस फॉर्म से, और जिंक क्या होगी, एक्वस फॉर्म में चली जाएगी सॉलिड के फॉर्म से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या करना है, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। और देखिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, फॉर डेनियल सेल और डेनियल सेल 1.1 वोल्ट ये गिवन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या रहा है, डेल्टा जी नॉट आपको डिटरमाइन करनी है इस इक्वेशन में। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप नेक्स्ट इक्वेशन पे चले जाओ और वहां पर हमने अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट दोनों की वैल्यू पुट कराई है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर आपको चेक करनी होगी तो -NFE0 सेल से आप इसको क्या करते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बस सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इनकी वैल्यू आप कैसे यहाँ पे पता करोगे, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉर डेनियल सेल। अच्छा डेनियल सेल में क्या क्या किया था आपने, डेनियल सेल में एक तो आपने जिंक की रॉड थी और एक कॉपर की रॉड थी, तो जिंक का एनोड बनाया था और कॉपर का कैथोड बनाया था। तो अगर आपने इस तरह से आपने ये बनाया हुआ था, यहाँ पर जिंक था इसका एनोड बनाया था और यहाँ पर कॉपर था इसका कैथोड बनाया था, यही तो था डेनियल सेल के अंदर, साल्ट से जोड़े थे एक और बनाए हुए थे सिस्टम। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनोड अगर जिंक का तो इसका मतलब क्या था, जिंक के तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा था, और कॉपर क्या कर रहा था, +2 के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड के फॉर्म में जा रहा था। तो भैया एन इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल्स थ्रू सॉल्यूशन। तो मेटल्स में क्या है कि एन की वैल्यू क्या है, जिंक की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं किसको, कॉपर को, तो एन की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू यहां पे गिवन है, गिवन लिख लो आप, गिवन एन इक्वल टू किसके, फॉर डेनियल सेल। अच्छा एफ की वैल्यू आपको पता होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलॉम्ब होती है,
ई नॉट की वैल्यू आपको क्या है, ई नॉट सेल आपको गिवेन है क्या है 1.1 वोल्ट है। तो अब करना क्या है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट अगर करनी है आपको, तो एन की वैल्यू यहाँ माइनस तो कर ही दो, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एफ की वैल्यू है 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू आई है 1.1 वोल्ट। तो टोटल ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है, टोटल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो यहाँ पे आपको मिल रही है, वो मिल रही है -2.12300 जूल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जूल मिल रहा है, ये होगा आपका आंसर। तो -2.12300 जूल, ये सब मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। सो ये रहा आपका ये न्यूमेरिकल्स। अगला न्यूमेरिकल्स आपको अगली वीडियो में और मिलने वाला है, तो आप उसको इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, यही एक छोटी सी हेल्प आपसे मुझे चाहिए होगी। थैंक यू।